देख सकते हैं ये है बिल्डिंग का आउटडोर। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये बिल्डिंग बनने वाली है और इसका पूरा वर्क आपको दिखाएंगे अगर आप हमें कमेंट करते हो, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये इसका नक्शा है जो कि फर्स्ट फ्लोर का है, यानी कि एक छत का है। तो इसके अंदर हम किस तरह से छत बनाएंगे, तो हमने एक ये वाली जो नीचे की जो छत है, नीचे वाली ये हमने बना दी है। पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कैसे हमने लगाया। ऊपर की छत अभी बाकी है, इसकी वीडियो आने वाली है, पूरा फाइनल तक हम आपको दिखाएंगे। चलिए नक्शा दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है पूरा नक्शा, यानी कि आप देख सकते हैं ये पूरी ड्राइंग है। तो इसके अंदर सब कुछ मेंशन किया गया है। ये देख सकते हैं पीछे वाली गैलरी है वेस्टेज, ओके। ये इस रूम का ये टॉयलेट है, ओके। तो यहाँ इस रूम से हम हॉल के अंदर एक दरवाजा निकलता है। अब यहाँ पे भी एक टॉयलेट है और इस रूम से एक दरवाजा निकलता है हॉल की तरफ, यानी कि ये दो कमरों के दरवाजे हॉल में। अब ये पूरा बड़ा सा हॉल है, यहाँ से एक और एंट्री करते हैं, ये भी रूम है। रूम के अंदर एक और टॉयलेट है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। और ये एक बाहर का एरिया है आउटडोर, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। और यहाँ से एक किचन आता है हॉल के अंदर से ही, और एक स्टोर रूम है हॉल के अंदर, किचन के अंदर से। और यहाँ पर एक टॉयलेट है हॉल का, ठीक है। अब यहाँ से सीधा बाहर जाएंगे तो ये दो रस्ते हैं और ये ऊपर की सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी बाहर निकल सकते हो, और एक हॉल के पीछे की गली है, यहाँ पे भी एक गली छोटी सी, ठीक है। यहाँ से भी बाहर जा सकते हो, यहाँ से भी बाहर जा सकते हो, दो रस्ते हैं। और ये कुछ इस टाइप की ड्राइंग है, एक रूम, दो रूम, तीन रूम, एक हॉल, एक किचन, इन सभी के अंदर पोर्सलिन की वायरिंग होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा हम पोर्सलिन की ही पाइपिंग करने वाले हैं। तो ये रूम का स्ट्रक्चर है, और सबसे पहला हमें काम करना है रूम के स्ट्रक्चर का सेंटर निकालना, यानी कि रूम के चारों दीवारों का सेंटर निकाल करके वहाँ पे एक फैन बॉक्स रखेंगे। अब आप देख सकते हैं किस तरह से हम सेंटर निकाल रहे हैं। आप इंची टेप की मदद लेकर भी कर सकते हैं, और ऑब्वियसली आप पाइप की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पाइप हम यहाँ पर फिट कर रहे हैं, ये ऑब्वियसली यहाँ से सेंटर दीवार के अंदर जाएगा। जहाँ पे फोर्सलिंग होती है वहाँ पर एक एक पाइप उतरा जाता है चारों दीवारों के अंदर, और सिर्फ एक फैन बॉक्स लगाया जाता है जिससे पूरी वायरिंग एक रूम की फैन बॉक्स के अंदर से ही फैल जाए। ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता फोर्सलिंग की वायरिंग में, क्योंकि फोर्सलिंग जब होती है तो ऊपर पाइप भी कम लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंसील्ड बॉक्स का यहाँ पर यूज़ नहीं लिया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं दो इस तरफ से पाइप, दो इस तरफ से पाइप, तो एक रूम का स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब ये दूसरा रूम है, दूसरे रूम के अंदर उसी तरीके से फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फैन बॉक्स को हमने सेंटर में रख दिया। ये ऑब्वियसली फैन बॉक्स सिर्फ वायरिंग को इधर उधर ले जाने के लिए लगाया जा रहा है, नहीं तो इसका कोई भी काम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फैन भी नहीं लगेगा। क्योंकि फोर्सलिंग के अंदर फैन फास्टनर की मदद से लगाया जाता है, क्योंकि फास्टनर हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। फोर्सलिंग के डिज़ाइन के अनुसार फैन कहाँ लगेगा वो फास्टनर तय करेगा, यानी कि फैन बॉक्स का यहाँ पर सिर्फ वायरिंग का ही काम होता है, क्योंकि फैन बॉक्स से ही वायरिंग फैलती है चारों ओर, और रूम की सर्किटों को मिलाने के लिए फैन बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। ये देख सकते हैं चारों पाइप हमने दीवारों के अंदर सेंटर में उतार लिए। अब आपको करीब से दिखाते हैं फैन बॉक्स के अंदर किस तरह से पाइप जा रहा है। तो जितने भी चार होल हैं, आठ होल होते हैं ऑब्वियसली, तो चार होल के अंदर दीवारों के पाइप ऐड किए जाएंगे और बाकी के अंदर सर्किट लाइन ऐड की जाएगी। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फैन बॉक्स के अंदर पाइप जा रहे हैं, जिससे पूरा चौकड़ी बनेगा, और जहाँ से जितनी भी दीवारें हैं उन सभी की लाइनें सिर्फ और सिर्फ इस फैन बॉक्स के अंदर ही आएगी, इस तरह से फिट होता है। अब ये देख सकते हैं किचन है, तो किचन के अंदर भी प्लानिंग की गई है कि यहाँ पर भी फोर्सलिंग होगी, तो इसके अंदर भी सिर्फ एक सेंटर में फैन बॉक्स लगा रहे हैं, जिससे कि किचन की जो फोर्सलिंग है वह भी हो जाए। दीवारों के अंदर चार पाइप लगाए जाते हैं, जो कि सेंटर सेंटर निकाल करके लगाया जाता है, जिससे जितनी भी वायरिंग है वो सेंटर वाली सेंटर के अंदर निकल जाए, जिससे शो लाइट्स वगैरह, ट्यूब लाइट्स वगैरह लगा सकते हो। ये है बड़ा वाला हॉल, बहुत ही बड़ा हॉल है। इसके अंदर किस तरह से फिटिंग किएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर के अंदर, ठीक है, एक फैन बॉक्स हमने लगा दिया। तो ये हॉल के अंदर भी हम फिटिंग कर रहे हैं पाइप्स, तो हॉल के अंदर भी फोर्सलिंग होगी। तो हॉल के अंदर हम सिर्फ एक फैन बॉक्स लगाएंगे आगे की तरफ, और एक पीछे की तरफ एक फैन बॉक्स लगाएंगे। तो इसके अंदर भी हम चार से छः ड्रॉप उतारेंगे दीवारों के अंदर। इसके अंदर आपको नीचे जा कर के चेक करना पड़ेगा आपको कहाँ पर निकालना है बैंड, वहीं पर ही आपको बैंड उतारना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमने तीन तरफ एक फैन से तीन तरफ निकाल दिए हैं। अब यह वाला जो पाइप है ये सामने वाले फैन बॉक्स से मिलाया जाएगा। ये देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये फैन बॉक्स कंप्लीट। अब यहाँ से ये दूसरा फैन बॉक्स इसी होल के अंदर ही अटैच है, तो एक होल के अंदर हम दो फैन बॉक्स लगा रहे हैं, जिससे होल की वायरिंग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र की जा सके, यानी कि रूम से और होल तक मिलाने वाली जो लाइन होती है वो कुछ इस तरीके से ही मिलाई जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हम पाइप को ड्रॉप भी लगा रहे हैं, तो यह ड्रॉप फिट करेंगे। तो मात्र होल के अंदर तकरीबन पाँच से छः ड्रॉप हम उतारेंगे, जो कि एमसीबी के साथ में होगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं एक और ड्रॉप उतरेगा,
यानी कि हम नीचे की दीवार में देख करके यहाँ पे पूरे ड्रॉप उतारेंगे, क्योंकि नीचे की दीवार कहाँ से खाली है, कहाँ पर पूरी दीवार है उसका तय करना पड़ता है, तो हम आपको आगे समझाएंगे। तो गाइस होल की हमने पाइपिंग कंप्लीट कर ली, अब हम आपको दिखाते हैं ये वाला रूम। रूम एक हॉल है और इसके सामने की तरफ देखें एक और रूम है। पूरा सेटअप हम आपको दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं हमने दो पाइप को इंस्टॉल कर दिया है। अब यह पाइप दूसरे रूम के अंदर जाएगा इस तरीके से, और दूसरे रूम के अंदर जाने के बाद दोनों फैन बॉक्स आपस में मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने रूम को रूम से मिलाया है, रूम को किचन से मिलाया है, किचन को हॉल से मिलाया है, कुछ इस तरीके से हमने पूरे पाइप को सेटअप किया है। अब आगे की कहानी आप सुनिएगा ताकि आपको अच्छे से नॉलेज मिल जाए, आप भी इस तरह का काम कर पाएं वर्ल्ड में। ओके, तो ये देख सकते हैं भाई हमने दोनों रूम को भी मिला दिया है। अब हम आपको समझाते हैं कैसे कैसे पाइप जा रहा है। तो ये देख सकते हैं ये फर्स्ट रूम है, फर्स्ट रूम से एक सर्किट लाइन दूसरे रूम में मिली, ठीक है, दूसरे रूम से हॉल के अंदर इस फैन बॉक्स में मिली, अब हॉल से तीसरे रूम के अंदर ये लाइन मिली, और यहाँ से तीसरे रूम से किचन तक ये लाइन मिल चुकी है। तो इस तरह से मैंने ट्रेन का ट्रैक बिछाया है जिसे इमरजेंसी लाइन बोला जाता है। इमरजेंसी लाइन पूरी रूम को आपस में मिला देता है। ओके, ये तो आपको मालूम हो गया। अब डालेंगे मेल लाइन, यानी कि मेल लाइन यहीं से ही न्यूट्रल फेज इन्वर्टर अर्थिंग एक रूम के लिए प्रोवाइड होगा, यानी कि इस रूम के लिए, फर्स्ट नंबर रूम के लिए यहाँ से अगर कोई सर्किट लाइन डालेंगे एमसीबी से तो इस रूम के अंदर फैन बॉक्स में आ जाएगी। तो इसे कहते हैं मेन लाइन, यानी कि मेन सर्किट लाइन। ये देख सकते हैं एक पाइप हमने लगा दिया,
अब ये वाला दूसरा रूम है, यहाँ से एक सर्किट और जाएगा, तो यहाँ से ये दूसरा रूम है, दूसरा नंबर, तो यहाँ से जो लाइन है वो सीधा एमसीबी बॉक्स तक पहुँचेगा तीन पाइप की मदद से। ठीक है, तो ये देख सकते हैं दो पाइप हमने इंस्टॉल कर दिया, अब तीसरा पाइप भी हम यहाँ पर लगाएंगे, तब यहाँ पर जा कर के पाइप पहुँच जाएगा। ये देख सकते हैं एमसीबी बॉक्स तक पहुँच गया। इसे हम क्यों लगा रहे हैं, यहाँ से भी न्यूट्रल फेज, इन्वर्टर, अर्थिंग वगैरह ये सारा इस एमसीबी बॉक्स से दूसरे रूम तक पहुँच जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ओके ओके, तो दो हमने फिट कर लिया। अब होल का जो मेल लाइन होता है वह कहाँ से मिलेगा, तो होल के पास में ही हमें एमसीबी बॉक्स लगाया है, तो यहाँ पर इस फैन बॉक्स की मदद से हम इस होल के अंदर मेल लाइन पहुँचाएंगे। यहाँ पर भी न्यूट्रल फेज, इन्वर्टर, अर्थिंग, एसी वगैरह की वायरिंग यहाँ से भी जाएगी। तो हमने क्या किया, इस फैन बॉक्स से, जो होल का फैन बॉक्स है, यहां से हमने कनेक्ट कर दिया और यहां से ही पूरी लाइन एमसीबी बॉक्स से आएगी। ओके, तो तीसरा यहां पे सेटअप हो गया। अब चौथा रूम, सॉरी तीसरा रूम है अब, ठीक है। तो ये तीसरा रूम का बहुत लंबा ट्रैवल करेगा वायरिंग, तो देख सकते हैं यहां से होते हुए सीधा एमसीबी बॉक्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, और इसके अंदर भी वायरिंग वही आएगी जो अदर रूम्स के अंदर आएगी, जैसे न्यूट्रल फेज, इन्वर्टर, अर्थ वगैरह। आप यहां पर देख सकते हैं अब यहाँ सामने बीम आ गया है, यानी कि एक छोटा सा बीम आ गया है। अब वहाँ पर हम कैसे इस पाइप को कन्वर्ट करेंगे, भेजेंगे कैसे, तो इसे आप हल्का सा मोड़ करके, घुमा करके ये ऑटोमेटिक घूम जाता है। आप देख सकते हैं पांच पाइप समथिंग यहाँ पे लगेंगे सीधा एमसीबी बॉक्स तक पहुँचाने के लिए। तो यहाँ से जो सर्किट लाइन है एमसीबी बॉक्स से होती हुई तीसरे नंबर रूम के अंदर वायरिंग पहुँचेगी। सबसे ज़्यादा वायरिंग इसी रूम के अंदर लगने वाली है, क्योंकि यहाँ से जो एमसीबी बॉक्स है वो थोड़ा सा दूर है। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एमसीबी बॉक्स से होते हुए यहाँ पर भी लाइन पहुँच गई। अब यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से जा रही है ये लाइन, देखिए यहाँ से होते हुए ये इस बीम के अंदर से होते हुए सीधा एमसीबी बॉक्स तक हमने पहुँचा दिया है। ओके, अब यहाँ पर हम किचन की बात करते हैं, तो किचन की लाइन भी इसी तरह से आएगी, यानी कि इसी जगह से जाएगी जो तीसरे रूम की लाइन जा रही है। तो हमने एक पाइप इंस्टॉल किया और ये किचन की लाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसको भी ये देख सकते हैं आप किस तरह से जा रहा है। यहाँ पर कोई भी बैंड का उपयोग नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये फ्लैक्सीबल पाइप होता है, ये मुड़ जाता है, कोई दिक्कत में नहीं आती है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बड़ी आसानी से इस बीम के थ्रू जा रहा है पाइप, और ये किचन के अंदर का लाइन है। इसमें भी न्यूट्रल फेज, इन्वर्टर, अर्थिंग, गीजर वगैरह के वायरिंग पहुँचेगी, हेवी वाली वायरिंग। ओके, तो ये देख सकते हैं एमसीबी बॉक्स तक हमने पाइपिंग पहुँचा दी। ओके, तो यहाँ से होते हुए ट्रांसफ़र सीधा एमसीबी बॉक्स तक, सॉरी किचन तक पहुँचेगा, किचन की लाइन सीधा एमसीबी बॉक्स तक इस तरह से आएगी। यहाँ पर भी लंबा ट्रैवल होगा। ओके, तो आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ पर कुछ छज्जे वज्जे हैं, तो छज्जों के अंदर कंसील लाइट लगाई जाती है, क्योंकि छज्जों के अंदर किसी भी तरह की फोर्सलिंग नहीं होती। तो किस तरह से यहाँ पर पाइपिंग करते हैं, तो देख सकते हैं आपको साइज़ करना है, और साइज़ के अकॉर्डिंग कितने लाइट बॉक्स लगने चाहिए कंपलसरी, वह लाइट बॉक्स साइज़ करके रख दीजिए। ये देख सकते हैं किस तरह से हम पाइप लगा रहे हैं। और मैं आपको समझा दूं, अगर आप फोर सीलिंग कर रहे हो तो आपको ड्रॉप कैसे देना है, मैं आपको समझाता हूं। तो देख सकते हैं यहां पे तीनों पाइप, सॉरी तीनों लाइट के अंदर पाइप डाल दिया है। अब यहां पे मेन पाइप कैसे, यानी कि आपको फैन बॉक्स में नहीं मिलाना है, मेन पाइप को आप ड्रॉप ही कर दीजिए ज़मीन के अंदर, सॉरी यहाँ दीवार के अंदर। ओके, तो अब यहाँ पे बाहर वाले जो मेन लाइन के छज्जे हैं, मेन छज्जे जो बाहर से लुक मारते हैं, वह आप कैसे फिट करेंगे, तो देख सकते हैं हम वह भी फिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको तय करना है कि यहाँ पे लाइट कितनी लगनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, या फिर आपको इंजीनियर्स के थ्रू अगर आपको कोई डिज़ाइन दिया गया है लाइटिंग का, तो आपको वह लाइट उतनी ही लगानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ कोई भी इंजीनियर वगैरह का काम नहीं है, हम खुद ही हैं, और खुद के हिसाब से यहाँ पे पाइपिंग और लाइटिंग लगा रहे हैं। कितने लाइट कहाँ पे लगेगी वो हम अपने हिसाब से लगा रहे हैं, जिससे कि बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये बाहर आउटडोर का छज्जा है, जो कि रोड वगैरह के थ्रू दिखेगा और लुकिंग मारेगा यहाँ पर। ओके, तो ये देख सकते हैं हम यहाँ से इस साइड में भी बॉक्स लगा रहे हैं, और आप खुद के अंदाज से, हिसाब से देख सकते हैं कितना अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो ये देख सकते हैं जितने भी लाइनें हैं हमने कम्प्लीटली फिट कर लिए हैं। अब ये छज्जों की बारी है, तो छज्जे भी हम फाइनल कर लेंगे। ऑब्वियसली ये कैमरा बिल्कुल साइलेंट है, करीब से नहीं दिखा पाएंगे। ये वीडियो मैंने सोचा इस तरह से ही बना दूँ, क्यों ना आपको हो सकता पसंद आ जाए, पसंद आ जाए तो हमें हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है पूरी पाइपिंग। तो यहाँ पर अब हम छज्जों की पाइपिंग भी कंप्लीट कर चुके हैं। सुपर ग्लू लगा करके पाइप को फिट करिए, ताकि ये बाहर ना निकले। टेप भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये देख सकते हैं अब यहाँ से होते हुए सामने तीन डब्बे और लगाए गए हैं। इन तीनों के अंदर पाइप आपस में मिला देंगे,
पार कर देंगे ताकि काटने की ज़रूरत ना पड़े और हमारा जो बॉक्स है एकदम अच्छे से फिटिंग रहे। ओके, तो यह मैं आपको बता दूँ, ये इस तरह का काम आप मार्केट में कर सकते हो, लाखों रुपए मंथली अर्निंग कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्ती ये वर्क है। एक बार आपको छत में काम करना है, फिर आपको आराम करना है। छत में काम करने के बाद आप आराम करेंगे, फिर जरी का वॉल कटिंग का टाइम आएगा, फिर आपको आराम करना है क्योंकि प्लस्तर वगैरह होगा। प्लस्तर होने के बाद आपको वायरिंग करनी है, यानी कि तीन हिस्सों में काम होता है ये, और लेकिन टाइम भी कम लगता है। ओके, अच्छा काम हो जाता है आपका। ये नहीं है कि मार्बल फिटिंग वगैरह की तरह नहीं है कि आपको ये काम स्टार्ट कर दिया तो कंटिन्यू आपको करना है, नहीं, ये अलग अलग किस्तों में काम होता है। तो यहाँ से होते हुए सीधा आप देख सकते हैं पूरे छज्जों की लाइट को हमने फिट कर दिया, अपने हिसाब से कितनी लगानी थी वो लगा दिया। ओके, यहाँ तक पहुँच गया। अब इसकी लाइनें भी मिलानी हैं तो हम आपको बाद में बताएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक ड्रॉप है, यानी कि आप खुद को आपको दिख रहा होगा मैं नीचे बैठा हूँ और ऊपर की साइड में एक फीट का ड्रॉप है। अब इस ड्रॉप के अंदर किस तरह से पाइप लगाया जाता है, जैसे कि देख सकते हैं एक डब्बे के अंदर मैंने तो लगा दिया, और ये जो मैं बैठा हूँ वहाँ पर बाथरूम है। ओके, तो यहाँ पर कैसे फिट किया जाता है, जैसे कि आपको साइज़ करना है, यहाँ पर पहले बैंड लगा करके इस तरीके से, जैसे कि आपने मेरी शॉर्ट वीडियो के अंदर देखा होगा, बड़ी आसानी से मैंने समझाया ये तरीका। ओके, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा करके आप देख सकते हो। अब यहाँ पर मैंने पाइप को काट दिया है, ओके, अब यहाँ पर हम बैंड का जो साइज़ वाइज है वो सब कुछ करेंगे। तो बैंड को हम यहाँ पर सुपर ग्लू लगा करके सेट कर देंगे। सेट हो गया, अब ये भाई साहब बिल्कुल। अब हमें नीचे वाले बॉक्स से इसे मिलाना है तो एक और बैंड का उपयोग लेना होगा। बैंड का मुंह काट दीजिए, अगर ज़्यादा ऊपर हो तो बैंड के अंदर पाइप भी मिलाना पड़ेगा। ओके, तो हमने बैंड का मुंह काट दिया और यहाँ पर इसको इस बैंड से मिला देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया। ओके, अब यहाँ पे इसके साथ में आपको पाइप लगा देना है जो नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये एल नुमा आकार का, यहाँ पे जेड नुमा आकार का सेटअप हो चुका है। ओके, अब ये इस नीचे वाले बॉक्स में फिट कर दें। तो यहाँ पर इस तरह से लाइनिंग पहुँचेगी, इसके अंदर कौन सा स्प्रिंग का यूज़ लिया जाएगा वो मैं वायरिंग करूँगा तब मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे बैंड ड्रॉप करेंगे, तो बैंड ड्रॉप करने के लिए हम छोटा सा एक टुकड़ा काट करके साइज़ करेंगे और इसे ड्रॉप कर देंगे। दीवार के 1 से 1.5 इंच ड्रॉप होना चाहिए पाइप, जिससे कि आप वॉल कटिंग करो तो आपको आसानी हो। ठीक है, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से हमने यहाँ पर फिटिंग कर लिया है और सुपर ग्लू लगा करके फाइनल हो गया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं एक बैंड यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर दिया। इसी तरह से जितने भी रूम हैं, जितने भी किचन वगैरह सब कुछ, सारे जगह पर आपने जितने भी पाइप छोड़े हैं उन सभी के अंदर आपको बैंड ड्रॉप कर देना है। ओके, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो काफ़ी ज़बरदस्त ये काम हो रहा है, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, मौसम भी काफ़ी सुहाना सुहाना टाइप का है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको बैंड लगाना है। बैंड का उपयोग इस वजह से किया जाता है कि ऊपर से जो वायरिंग है वो दीवारों के अंदर ला सकें, यह रीज़न होता है बैंड लगाने का। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो बैंड कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक ही साइज़ के पूरे बैंड काट लेने हैं, मतलब जो छोटे टुकड़े होते हैं पाइप के वो काट लेने हैं। पहले बीम को साइज़ कर लेना है कि अंदर कितना जाएगा, उस हिसाब से साइज़ करने के बाद आप बैंड काट सकते हो। तो इस तरह से बैंड का यूज़ लिया जाता है। गाइस, यहाँ पर मेहनत भी काफ़ी होती है, लग रहा है आपको ऐसे ही काम हो रहा है लेकिन नहीं, मेहनत भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ ली जाती है। ओके, तो ये देख सकते हैं भाई साहब कंप्लीट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बाथरूम के, सॉरी, ये जो छज्जे होते हैं ना, छज्जों की जो लाइन है हम ड्रॉप कर रहे हैं दीवार के अंदर। तो छज्जों की लाइन में कोई भी पाइप नहीं लगता, छोटा सा सिर्फ बैंड के थ्रू ही इसे डाउन किया जाता है। ये देख सकते हैं दूसरी लाइन इमरजेंसी लाइन है, मैंने 3-4 छज्जों के अंदर ड्रॉप दिया है ताकि एक चौक हो जाए तो दूसरा काम आ जाए, दूसरा चौक हो जाए तीसरा काम आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने बैंड को इस तरह से उतार दिया, फैन बॉक्स में नहीं मिलाया, दीवार के अंदर ही हमें बहुत आसानी हो जाएगी काम में। ओके, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भी वही चीज़ प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं छोटी गली है, तो गली के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से फैन बॉक्स से हम नीचे उतारेंगे लाइन, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर सीलिंग नहीं होगी। तो जहाँ पे फोर सीलिंग होती है वहाँ दीवारों के अंदर ड्रॉप उतारा जाता है, और जहाँ फोर सीलिंग नहीं होती है वहाँ छज्जों की लाइन को, फैन बॉक्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पर मिलाया जाता है। ओके, तो ये देख सकते हैं भाई, हमने इस फैन बॉक्स से, लाइट बॉक्स से हमने मिला दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ ऊपर से बाहर के छज्जों के अंदर लाइन पहुँच जाएगी फैन बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम करेंगे एमसीबी बॉक्स की फिटिंग। तो एमसीबी बॉक्स किस तरह से फिट किया जाता है, तो यहाँ पर जितने भी पाइप है, जो रूम हमने लगाए 3 रूम, एक किचन, एक हॉल, तो इन सभी का जो ड्रॉप लाइन है वो यहाँ तक आ चुका है। अब इसके अंदर सिर्फ बैंड को मिला करके हम दीवार के अंदर उतार रहे हैं। अब एमसीबी बॉक्स कहाँ लगेगा, किस जगह पे लगेगा, इसका उपयोग आपको देखना है।
और वह चीज़ देखनी है कि कहाँ पे अच्छा रहेगा एमसीबी बॉक्स। एमसीबी बॉक्स इतना दूर भी ना लगाएं कि एक रूम ज़्यादा दूर हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी कि ज़्यादातर रूम करीब ही होने चाहिए एमसीबी के, एक एक या दो रूम दूर हो जाए तो चलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो रूम है या हॉल वगैरह है वो एमसीबी के करीब ही होने चाहिए, जिससे ग्राहक का जो वायरिंग है वो काफ़ी हद तक कम लगे। ओके, तो हमने यह चीज़ प्लानिंग करके एमसीबी बॉक्स को यहीं पे इंस्टॉल किया, क्योंकि आपको पता है सीढ़ी वाला जो एरिया होता है वह सेंटर होता है पूरे घर का, तो वहाँ पे पूरी लाइन बराबर मात्रा में आती है और वायरिंग ज़्यादा नहीं लगती है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी मैंने बैंड ड्रॉप है वो सभी उतार दिए हैं, और जो रूम से एक एक करके लाइन आ रही है वह भी हम यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था किस तरह से मैंने एक एक पाइप इंस्टॉल किया है, वह पूरा पाइप यहाँ पर बैंड ड्रॉप हो रहे हैं, और यहीं से न्यूट्रल फेज, इन्वर्टर, अर्थ, एसी के वायर, गीज़र वगैरह के वायर, एमसीबी बॉक्स, यहाँ से ही सारा कुछ पहुँचेगा माल, जिससे ऑपरेटेड हो गए रूम। ओके, यानी कि फोर सीलिंग की लाइटिंग वगैरह ऑपरेटेड होगी, गीज़र एसी वगैरह ऑपरेटेड होगी। ओके, इस तरह की लाइनें ऑपरेटेड होगी, इन्वर्टर वाला लाइन ऑपरेटेड होगा, यहाँ से ही होगा, एमसीबी बॉक्स है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमने समथिंग कंप्लीट कर लिया, ये देख सकते हैं पूरे पाइप दीवार के अंदर उतार दिए हैं। ओके, ये वाले। ओके, तो अब आप देख सकते हैं जितने भी पाइप है सब कुछ फिट करने के बाद आप तार की मदद से इन्हें टाइट करें। तार की मदद इस वजह से ली जाती है ताकि जो फैन बॉक्स है और पाइप है वो अच्छे से अंदर ही फिट रहें, बाहर ना निकले। बाहर निकल जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर चोक होने के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे, तो आपको तार को अच्छे तरीके से बांध देना है ताकि जो पाइप है वो बाहर ना निकले और चोकिंग के चांसेस ना हो। ओके, तो इस तरीके से आपको तार बांधने हैं, जितने भी पाइप है उन सभी पाइप के ऊपर आपको तार कस देना है। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारा कंप्लीट, बैंड की तरफ भी आपको तार बांध देने हैं। दोस्तों, काम बिल्कुल फाइनल हो चुका है, आपको हम एक स्ट्रक्चर दिखाने वाले हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से पाइप जा रहा है। अभी हम आपको समझाएंगे मेल लाइन में और इमरजेंसी लाइन में क्या डिफरेंट होता है, फायदा क्या होता है इमरजेंसी लाइन लगाने का। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं येलो कलर का लाइन जो जा रहा है ये इमरजेंसी लाइन, ग्रीन कलर का जो लाइन जा रहा है ये मेल लाइन है। बाय डिफॉल्ट अगर मेल लाइन में कोई खराबी आ जाती है दूसरे रूम में तो पहले रूम से हम लाइन को पहुँचा सकते हैं इमरजेंसी के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पर अगर पहले रूम के अंदर फॉल्ट हो जाता है, पाइप चोक हो जाता है, तो हम पहले दूसरे रूम से पहले रूम तक वायरिंग पहुंचा सकते हैं। ये बेनिफिट होता है इसका मेल लाइन का। ओके, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कंप्लीट हमने काम कर लिया है, और आपको नजर आ रहा होगा किस तरह से कैसे कैसे पाइप जा रहे हैं, किस तरह से एमसीबी बॉक्स तक पहुंच रहे हैं, और मेल लाइन सभी रूम के अंदर, हॉल वगैरह के अंदर आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये जरूरी है मेल लाइन लगाना, क्योंकि हो सकता है कहीं पर भी पाइप ब्लॉक हो सकता है, कहीं पर भी पाइप टूट सकता है। हमारी गलती नहीं होती, लेकिन जो छत ढलाई करते हैं उस समय टूट सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो उस कंडीशन में मेल लाइन अगर फॉल्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में इमरजेंसी लाइन काम में आती है, जैसे कि मैंने आपको समझाया है किस तरह से होती है। तो ये देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है, और गजब का यहाँ पे लग रहा है ना, और किस तरह से कैसे कैसे पाइप गया हुआ है आप वीडियो को रोक करके देख सकते हो कि मैंने कैसे फिटिंग की है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कमेंट्स होगा तो हम आपके लिए वायरिंग की वीडियो भी बना देंगे। अगर आपने यहाँ तक देखा होगा ये वीडियो तो उसके लिए शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है आप लोग हमें पसंद करते हो जो लोग यहाँ तक वीडियो देख लेते हैं। ओके, तो चलिए हम आपको एक और चीज़ समझाते हैं कंप्लीट डिटेल के साथ में कि हमने किस तरह से और कैसे कैसे यहाँ पे पाइप को इंस्टॉलेशन किया है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर फाइनल। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये वाला बैंड दीवार के अंदर एक पहला रूम है, यहाँ पर ये बैंड, ये भी दीवार के अंदर बैंड, ये भी दीवार के अंदर बैंड, यानी कि कोई भी लाइट यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक फैन बॉक्स है। ओके, ये पहला रूम है, ये एक रूम का पूरा सिस्टम है। अब मैं चलता हूँ इस रूम के बाथरूम में। तो बाथरूम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दीवार है, यहाँ से एक बैंड लगा करके ये लाइट बॉक्स, और ये एक छोटा सा होल है, छोटा सा गली है, तो वहाँ पर इस तरह से हमने एक पाइप को लाइन बिछा दिया है, जो कि ये बाथरूम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बाथरूम है इस रूम के लिए। ओके, अब मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये है दूसरा रूम। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से चारों दीवारों के अंदर एक एक करके, क्योंकि यहाँ पर फोर सीलिंग होने वाली है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से इंस्टॉल किया। यहाँ से जो लाइन जाएगी वो सीधी, ये बाथरूम है, ये इस रूम का सेकंड रूम का बाथरूम है, और यहाँ पर कुछ लाइटें हैं, जो गली है यहाँ पे एक डिवाइड हुआ है, और यहाँ से एक गली जा रही है आगे, वो अलग है, और ये अलग है सिस्टम पूरा। ठीक है, ये अलग रूम है। ओके, ये आ गया हमारा हॉल। तो हॉल के अंदर भी आप देख सकते हैं एक यहाँ पर बैंड दिया गया है, और दोनों आपस में फैन बॉक्स को मिला दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस दीवार में बैंड, इस दीवार में बैंड। ओके, इस दीवार में बैंड, जहाँ पे दीवार है वहाँ वहाँ पर हमने बैंड लगा दी, क्योंकि होल बड़ा है तो उसमें काफ़ी सारे बैंड भी लगेंगे। एक यहाँ पर इस तरफ से बैंड, और एक इस तरफ से बैंड, और एक इस तरफ से बैंड। ठीक है, बहुत सारे बैंड यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि दीवारों के हिसाब से। ये पूरा एक बड़ा वाला होल है, बहुत बड़ा है होल। ठीक है, तो इसी के अंदर पूरी मेन लाइन जा रही है।
ओके तो यहाँ पर ये देख सकते हैं किचन का स्टोर रूम और बाहर की तरफ एक बाथरूम है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और रूम। अब इस रूम के अंदर किस तरह से लाइन है, वही तरीका, क्योंकि यहाँ पे भी फोर सीलिंग होने वाली है, तो चार पाइप चारों दीवारों तक ड्रॉप हो गए और बीच में फैन बॉक्स है, ठीक है, ये वाले इस तरीके से। और यहाँ पर इस रूम का ये बाथरूम है, यहाँ से लाइन को इस बाथरूम के लिए कनेक्ट किया जाएगा। ये इस बाथरूम को इस रूम से अटैचमेंट दिया गया है, ठीक है। तो तीन रूम तीन बाथरूम, ओके, और एक हॉल के बाहर एक अलग बाथरूम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक किचन है, तो किचन के अंदर भी फोर सीलिंग प्लानिंग है, तो यहाँ पर भी चार ड्रॉप दीवारों के अंदर उतारी है बस, और कुछ भी यहाँ पर नहीं लगाया गया है। और ये किचन का ही एक हिस्सा है जो कि स्टोर रूम है, ठीक है, तो इसकी लाइन उसमें ही जाएगी। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं बिल्कुल फाइनल वर्किंग हो चुकी है, तो आपने समझ लिया होगा किस तरह से ये काम हो रहा है। और यहाँ पर एक छोटी सी गली है, इसमें भी दो बैंड है, और यहाँ से पूरी लाइन इस एक बाहर की तरफ एक और गली है, इसके अंदर भी दो लाइटें चार लाइटें फैन बॉक्स है, और ये पूरा हॉल से मिला हुआ है। ये पूरी लाइन एक पूरे हॉल से मिलाई गई है, जो कि हॉल की लाइन से ये पूरा स्ट्रक्चर वर्क करेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं दो लाइटें एक फैन बॉक्स की ड्रॉपिंग, और यहाँ पर दो लाइटें यहाँ से ड्रॉप दिया गया है। फ्रंट जो आउटडोर दीवार जो होती है ना, आउटडोर का छज्जा, वहाँ पे हमने कनेक्टिविटी दी है सिर्फ हॉल से ही। ये देख सकते हैं पूरी लाइन यहाँ से होते हुए पूरी लाइट रोड से नज़र आएगी, रोड जो होती है वहाँ से नज़र आएगी। यहाँ पे मैंने दो तीन सर्किट अलग अलग दिए हैं, जैसे कि यहाँ से भी दिए और एक यहाँ से भी दिया, कोई भी इमरजेंसी में अगर चौक हो जाता है तो काम यहाँ लिया जा सकता है मेन लाइन को देने के लिए। तो इस तरह से हमने तीन चार कनेक्टिविटी दी है बाहर रोड की लाइटों में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमने बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त। एक होता है आउटडोर बाथरूम, तो यहाँ पर आउटडोर बाथरूम भी दिखाते हैं आपको। तो ये रहा आउटडोर बाथरूम, तो यहाँ पर देखें दो लाइटें हैं, ठीक है, और बाकी बैंड हमने दोनों दीवारों पे उतार दिया, एक इस दीवार में एक इस दीवार में एक इस दीवार में, तीन दीवारों में उतार दिया ताकि हमें गीज़र वगैरह लगाने में आसानी हो। और ये सीढ़ी के ऊपर चढ़ने वाला एक छोटा सा एक लाइट बीच में लगा दिया गया है, और एक और छज्जा है, इस छज्जे के अंदर तीन लाइटें और एक दीवार के अंदर सीधा उतार दिया, और यहाँ पर भी एक छज्जा है, ठीक है। अब इमरजेंसी लाइन कैसे जा रही है, फर्स्ट रूम से निकलते हुए सीधा यहाँ से होते हुए सेकंड रूम के अंदर इमरजेंसी लाइन मिली। इमरजेंसी लाइन मैंने आपको समझा दिया क्या है। अब यहाँ से सेकंड रूम से निकल के सीधा हमारे हॉल के फैन बॉक्स में आई, ठीक है। अब यहाँ से निकल के सीधा तीसरे रूम के अंदर हमारी पहुँच गई, यहाँ पे इस तरफ, ठीक है, इस फैन बॉक्स में आई, और यहाँ से सीधा निकल के हमारे किचन की ओर चली जाती है, ठीक है। और यहाँ से सीधा एमसीबी बॉक्स तक मिल जाती है, यानी कि फर्स्ट रूम का एमसीबी बॉक्स में लाइन जाना, सेकंड रूम का एमसीबी बॉक्स में लाना, यानी कि ये पूरी गोलाई एमसीबी बॉक्स तक बैठ जाती है यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पूरी लाइन तो हो चुकी है इमरजेंसी लाइन, अब मेल लाइन बताते हैं आपको। ये है मेल लाइन, जो कि इस फर्स्ट रूम की एक मेल लाइन यहाँ पर उतरी, ये देख सकते हैं, ठीक है, एमसीबी बॉक्स के अंदर, ओके। अब यहाँ पर दूसरा रूम है हमारे पास, ये वाला, तो इस दूसरे रूम की भी मेल लाइन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली। अब ये वाली मेल लाइन जो है हमारी सीधी एमसीबी बॉक्स तक जा रही है, ओके। ये मेल लाइन होती है इमरजेंसी लाइन, सिर्फ इमरजेंसी में काम आती है, जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी, ठीक है। तो ये मेल लाइन होती है, ये दूसरे रूम के अंदर सर्किट पहुँचाने के लिए काम में लिया जाता है, ये दूसरे रूम के अंदर, ठीक है। और ये बहुत बड़ा हॉल है, अब इसका भी एक सर्किट बनाया गया है जो कि एमसीबी बॉक्स तक जा रहा है, इस फैन बॉक्स से, ये वाला जो लाइन है सीधा इसके अंदर जा रहा है एमसीबी बॉक्स के अंदर। अब यहाँ से जो लाइन है वो पूरा हॉल के अंदर मिला दी जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब तीसरा रूम जो हमारे पास है ये वाला, इसकी लाइन बहुत लंबी है और बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो यहाँ से होते हुए जो लाइन है सीधा एमसीबी बॉक्स तक जा रही है इस तरीके से, ठीक है। तो ये बीम है, बीम के अंदर घुसा करके हमने सीधा एमसीबी बॉक्स तक ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ से जो लाइन जाएगी वो सीधा तीसरे रूम तक पहुँचेगी इस वाले पाइप से, ठीक है ना, यहाँ से होते हुए सीधा तीसरे वाले रूम के अंदर, ओके। तो अब यहाँ पर एक और होता है जो किचन, अब किचन की लाइन भी कुछ इसी तरीके से ही जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं फैन बॉक्स है, यहाँ से मेन लाइन निकली और सीधा यहाँ बीम की ओर से यहाँ से होते हुए सीधा एमसीबी बॉक्स तक पहुँच रही है, और एमसीबी बॉक्स से जो लाइन है वो यहाँ से निकल के सीधा किचन तक जा रही है। तो इस तरह से अलग अलग लाइन भी दी जा रही है और इमरजेंसी लाइन भी दी जा रही है। अब मान लो मेल लाइन फॉल्ट हो जाती है, मतलब चौक वगैरह हो जाती है, तो इमरजेंसी में काम में लिया जा सकता है। ये ऊपर की छत के लिए, यहाँ से ऊपर की छत में एमसीबी लगेगा वहाँ तक लाइन पहुँचाने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन सभी लाइनों का मेन लाइन भी उतारना है, आपको पता है मेन मीटर वाला लाइन या तो यहाँ से भी ले जाना है। तो ये है मेन मीटर वाली लाइन, एक यहाँ से होती हुई सीधी आउटसाइड में जाएगी, जैसे कि यहाँ से होते हुए छज्जा है, यहाँ छज्जे के नीचे से एक दीवार है, यहाँ पे भी मैंने आउटपुट दिया और यहाँ पर कुछ वायरिंग हो जाएगी आउटपुट इनपुट वाली, ठीक है। यहाँ से मेन लाइन थ्री फेज वगैरह है वो सीधा एमसीबी बॉक्स में आएगी। हमने एक और लाइन दिया है बैकग्राउंड में, जो कि घर के पीछे वाला एरिया है, यहाँ से ये वाला पाइप जो है सीधा सामने की तरफ जा रहा है, जो पीछे घर के पीछे एक गली है वहाँ पे जा रहा है, हो सकता है वहाँ से भी हम मेल लाइन ले लें। तो ये दोनों तरीके हैं एमसीबी बॉक्स तक लाइन पहुँचाने के, ये देख सकते हैं ये गली है,
ठीक है, यहाँ पे एक दीवार है इसके अंदर उतार दी ये वाली गली, ठीक है। तो यहाँ से भी हम वेस्टेजिंग वायरिंग जो नज़र आती है वह पीछे से भी ले सकते हैं। तो दो ऑप्शन हमने छोड़ दिया यहाँ पर ताकि वायरिंग कहीं पे नज़र ना आए घर के अंदर या घर के बाहर आउटसाइड में, जो डिज़ाइन को ख़राब कर देती है। तो हो सकता है हम दोनों में से कोई भी एक मेल लाइन के उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ही मेल लाइन एम सी बी के अंदर आएगी, एक यहाँ पर लगा दिया हमने, एक वहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब जो आप सामने की तरफ एक बिल्डिंग देख रहे हो ना, इसकी फिटिंग की वीडियो बहुत पुरानी है, हमने बना रखी है किस तरह से फिटिंग की थी, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। पूरा वीडियो तो नहीं बना है लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे इस बिल्डिंग का वीडियो बना हुआ है। अब यहाँ पे छत ढलाई हो रही है गाइस। अब छत ढलाई किस तरह से होती है और हम ऊपर आते हैं थोड़ा ध्यान रखने के लिए, मान लीजिए कोई पाइप वगैरह टूट जाए गर जाए तो इमरजेंसी में हम काम में ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे यहाँ सीमेंट डाली जाती है छत के ऊपर। तो ये देख सकते हैं भाई, यहाँ पे अब जैसे ही इसको डाला जाएगा, ओके, तो ये देख सकते हैं पूरे पाइप बंद हो जाते हैं, लाइट बॉक्स बंद हो जाती है, सब कुछ यहाँ इस तरीके से बंद किया जा सकता है। इस तरह से छत ढलाई होती है रेलगाड़ी की मदद से, बहुत जल्दी से फटाफट से छत फिटिंग हो जाती है, ढलाई हो जाती है। अब यहाँ पर आपको पता है कि इलेक्ट्रीशियन का काम बनता है ध्यान रखना, जैसे कि कैसे ध्यान रखा जाता है, इधर उधर देखना पड़ता है, और यहाँ पे जैसे कि फ़ैन बॉक्स की तरफ जाना पड़ता है, भाई देखते हैं कोई पाइप ढीला तो नहीं, कोई निकला तो नहीं, कोई कार्डबोर्ड वगैरह निकला तो नहीं, तो किस तरह से यहाँ पे सब कुछ चेक किया जाता है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं डीप है, डीप के अंदर भी यहाँ पे चेक किया जाता है क्योंकि मसाला डल रहा है, तो हम चेक करेंगे यहाँ पे कोई ढीलापन तो नहीं है या फिर कोई पाइप तो निकला नहीं, टूटा तो नहीं, तो ये सब कुछ ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। कुछ समय तक हम समय बिताते हैं थोड़ा, और यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे कुछ छत फिटिंग हो जाती है और यहाँ पे अब ढलाई हो रही है, तो इस तरह से ध्यान भी रखना पड़ता है, तब जाके पैसा मिलता है गाइस। आसानी से पैसा नहीं मिलता है, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई सा भी वर्क हो, पूरी मेहनत करने के बाद हमें पैसा मिलता है। तो आप उम्मीद है आप हमारे चैनल से बहुत कुछ सीखते होंगे और पैसा भी कमाते होंगे। फिर वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ये देख सकते हैं भाई साहब पूरी छत कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ऊपर आ चुके हैं दोबारा अगला कुछ दिन के बाद, जब अब दोबारा एक और छत बन रही है यहाँ पे, दूसरी छत का यहाँ पे काम चालू है, तो दूसरी छत की, और आप कहें तो पूरी सीरीज हम इसकी एक वीडियो की बना दें। चलिए दोस्तों, उम्मीद है पसंद आई।